हमारा जो ये रास्ता हम खड़े हैं ना, ये रास्ता भी हमने ज़मीनों के अंदर से दिया था, और उसके लिए भी रेलवे ने हमारे को कोई रास्ता नहीं दिया था। जब अंडरपास जारी किया था तो हमने क्या है कि यहाँ धरना देके ये रास्ता हमने छुड़वाया था उन्हें अधिकारियों से, और हमारे खेतों के बीच से ये रास्ता निकला हुआ है। आज ये रेलवे ये कह रही है कि ये ज़मीन भी क्या है कि आपकी हम रेलवे के अंडर में ले रहे हैं। भाई हम एक एक बीघा में 10-10 से काश्तकार यहाँ निवास करते हैं, यहाँ खेती बाड़ी कर रहे हैं, हम सब्जी वगैरह बो रहे हैं, फसल से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यहाँ मकान भी हमने रहने के लिए बना रखे हैं। एक बीघा में क्या है कि हमारी ये जो ज़मीन है वो पूरी जा रही है, अब हम आगे जाकर हमारी लालन पालन कैसे करेंगे और कहाँ बसेंगे? हम तो एक इंच भी आज उनको ज़मीन नहीं देंगे। तो आपकी आपकी सरकार से क्या मांग है? क्या सरकार से हमारी मांग क्या है कि सीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया था जी, सीएम साहब से फिर हमने दोबारा रिमाइंडर ज्ञापन दिया था झुंझुनू जाके, उन्होंने कहा कि मैं आगे जैसे ही क्या है कि मेरे को दिया था उसी समय मैंने जारी कर दिया था, तो जारी किया तो हमारे को उसका आधार तो दो कि आपने कहाँ भेजा है, किसको भेजा, क्या क्या भेजा है। तो रेलवे के अधिकारियों ने आपसे कोई संपर्क वगैरह किया? रेलवे के अधिकारियों ने क्या है कि हमारे को अखबार में न्यूज़ आई थी, उस न्यूज़ में हमारी 1884 वर्ग मीटर जा रही है और इतनी हमारी ज़मीन है, हम तीन भाई हम निवास करते हैं यहीं, उसमें हमारे मकान बना रखे हैं, यहीं हम अपनी खेती करते हैं और जीवन यापन करते हैं, हमारे ट्यूबवेल है और ये कृषि भूमि है और इसको बारूनी दर्शा रखा है। तो अधिसूचना जारी होने के बाद में रेलवे की डिपार्टमेंट की ओर से आपको कोई मुआवजे को लेकर कुछ संपर्क वगैरह किया? नहीं, हमने क्या है कि जयपुर गए थे हमारे प्रतिनिधि, जयपुर जाके वहाँ से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि हम तो 1,84,000 रुपये बिगा के देंगे, जबकि हमारे सामने जो कैलाश नगर की कॉलोनी जो कटी हुई है उसमें आज की स्थिति 10,000 वर्ग मीटर के हिसाब से क्या है कि यहाँ की रेट चल रही है, और इसी के हिसाब से क्या है कि ये ज़मीन की अगर कीमत देखी जाए तो आज 1 करोड़ से ज़्यादा की कीमत होती है, और आज ये सरकार ये कह रही है कि 1,84,000 रुपये क्या आता है, 1,84,000 रुपये आज मकान बना रखे 60-70 लाख रुपये मकान बनता है, और ये हमने जो ये खेती कर रखी है इससे हम जो जीवन यापन कर रहे हैं, सरकार न तो हमारी कोई सुनती है। हमने सरकार को चेताया भी है, सीएम साहब तक हमने सूचना कर दिया, सीएम साहब ने भी अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। कलेक्टर महोदय ने क्या हमारे को कहा कि मैं क्या है कि जो पटवारी वगैरह हैं इनको क्या है कि मैं पाबंद कर दूंगा, आज तक तो कोई पाबंद हुआ नहीं, वैसे ही भ्रमण हो रहा है, वैसे ही गाँव का सर्वे हो रहा है, इस प्रकार से उनका कार्य किया जा रहा है। आगे सर आगे जो चुनाव आ रहे हैं हम तो पूरी तरह बहिष्कार करेंगे, हमारा जो वार्ड बनता है उसमें न तो किसी को वोट डालने देंगे न वोट डालेंगे, क्योंकि आज तक हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा है। विधायक साहब तो ये कह रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि 10-15 किसान प्रभावित हो रहे हैं, 1500 किसान प्रभावित हो रहे हैं, और उनमें क्या है कि एक एक बीघा में क्या है कि 10-10 किसान निवास करते हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और एक तरफ क्या है कि विधायक साहब क्या है कि किसानों के तेजी बताए जा रहे हैं और एक तरफ किसानों का गला काट रहा है। हम तो किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे, पूरी तरह बूथ को खाली रखेंगे हम तो। हमारी जमीन हमारे पास तो सिर्फ 5 बीघा है, 5 बीघा में 3 भाई हैं, एक एक दो दो बीघा जमीन आती है, और एक एक दो दो बीघा जमीन के अंदर ये भी करीबन करीबन सारी जा रही है, तो हम तो इंची जमीन नहीं देंगे, चाहे मरना पड़ जाए। अधिकारी आए हैं क्या रेलवे वाले? रेलवे वाले अधिकारी कोई नहीं है अभी तक तो, हमारे पास कोई नहीं है। एक पत्थर वो रोड रखा उसका थोड़ा सा उसका क्या है? वो पत्थर तो सीमा का है, रेलवे लाइन की सीमा का है, वो रेलवे बाउंड्री ने चौड़ी वाली उसकी सीमा का है वो पत्थर, तो वो उस पत्थर से कोई मतलब नहीं। आपकी कितनी जा रही है जमीन? हमारी जा रही है 1948 वर्ग मीटर। इतनी बसने लायक है आपकी इतनी जमीन है? हाँ इतनी जमीन है, बसने बसने के लिए नहीं है, एक घर भी है, रेलवे रेलवे अधिग्रहण के अंदर ही आ रहा है, अधिग्रहण के अंदर आ रहा है। कितने समय का मकान बनाए हुए? ये हो गए करीबन 5-6 साल हुए। जमीन क्या कोई नहीं, जमीन तो क्या कोई नहीं, जमीन दिया मगर टावर तो क्यों पड़े, अरे मैं क्या खावा क्या मैं बड़ा, अरे बड़ा क्या मैं मकान दे दिया, मकान इलिए में तो ना तो जमीन दिया ना मकान दिया, क्यों भी कौन दिया। रेलवे का अधिकारी अब अधिग्रहण चालू कर दिया, आया क्या कोई नहीं आया मकान तो रेलवे वाला, तो आशीजना क्या कर सकते आशीजना कैसे मैं तो कौन दिया क्यों दे मैं जमीन जगह मैं कुमार खान ही मैं साबना ना पड़ा था अब आई दे देश ना पत्थर मैं क्या कर इलिए मैं तो क्यों कौन दिया माँ और ना बोर्ड दिया बोर्ड ले बड़ा शीत अन्न भी कोई नहीं हमारे ठे माँ खाने और काम को नहीं खाली बोटा था नहीं एक बार सकल दिखा दे और बोट ले जाए और जाता रहे और अब ही कोई मुश्किल आई जो माँ कोई जा रहा जा लियो को नहीं मैं तो कोई नहीं क्यों कौन दिया सा माँ जमीन जगह कौन दिया ये जमीन आई है रोजगार इसे कमा लिया खा लिया टावरा ने पाल लिया
38 साल से सिंचाई कर रहे हैं, सब क्यों कर रहे हैं, सब क्यों वही है जिंदगी के मन, तो एक इंच जमीन भी देने के लिए तैयार को नहीं हाँ, और ना देंगे, जो भी करना हो सो करेंगे।